है उससे डिराइव होता है। तो उसने बोला है आर्गू बाई गिविंग द सुटेबल इलस्ट्रेशन। तो इसके बारे में क्या आप लोगों की थॉट प्रोसेस क्या है कि जो कम्युनलिज्म है वो पावर स्ट्रगल या रिलेटिव डिप्रिविएशन है उसकी वजह से राइज होता है। ये क्वेश्चन 2018 का है, आर्ग्यू बाय गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशन। पहले तो भाई जैसे इंट्रोडक्शन होगा इसका, तो इंट्रोडक्शन में पहले तो जैसे ये क्वेश्चन क्या है, कीवर्ड इसका जो प्राइमरी जो सेक्शन है इसका कम्युनलिज्म है, मतलब टॉपिक जो है कम्युनलिज्म हो गया। फिर इसमें जो सेकेंडरी क्वेश्चन जो रेज किया है उसने बोला है कि ये किसकी वजह से होता है, पावर स्ट्रगल की वजह से होता है कि रिलेटिव डिप्रिविएशन की वजह से होता है जो कम्युनलिज्म है। कम्युनलिज्म का मतलब हो गया कि दो सोसाइटी, दो या दो से ज्यादा सोसाइटी होगी, उनके जो है जो इंटरेस्ट होंगे सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वो कॉन्फ्लिक्ट होंगे और वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उनका जो सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो इंटरेस्ट है ऑन द कॉस्ट ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये बेसिक जो ये हो गया, मतलब बेसिक रॉ आइडिया हो गया कि कम्युनिज्म से कैसे, अब इसी को कह रहे हैं कि किस वजह से राइज होता है, पावर स्ट्रगल से या रिलेटिव डिप्रिविएशन। रिलेटिव डिप्रिविएशन की वही मतलब कि लेस तुम्हारे पास वो जो बेसिक चीजें हैं वो लेस है तुम्हारे पास, तो ये किस वजह से होता है। तो इसमें आप लोग कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, और इसमें एग्जांपल भी पूछ रहा है आपसे, 150 वर्ड्स का अगर क्वेश्चन होगा तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा, एक आइडिया दीजिए आप लोग, कोई भी जिसने मेन सेंस लिखा हो पहले। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो सत्ता का संघर्ष है या रिलेटिव डिप्रिविएशन है, इसको एग्जांपल के साथ समझाना है बस, क्वेश्चन बस यही है। समझ में आया आपको? Communalism arises either due to the power struggle or related deprivation. Argue by the given suitable illustration. तो मैं बताता हूँ, आप लोग अगर मत करिए मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। तो पहले जैसे 150 वर्ड का क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन में आप इसको कम्युनिज्म को डिफाइन करेंगे, कम्युनिज्म क्या होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इज द बिलीफ दैट बिकॉज ए ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो ए पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब कुछ लोग जो है पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, मतलब फिर जब पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उनके कुछ बिलीफ होंगे, कुछ सेट ऑफ आइडियाज होंगे, तो दे हैव एज ए रिजल्ट कॉमन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। मतलब कुछ लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, मतलब आप कम्युनिज्म को डिफाइन करेंगे 2 या 3 लाइन में। ठीक है, बिकॉज ए ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो ए पर्टिकुलर रिलीजन, तो उनके जो है कुछ कॉमन सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं। ठीक है, तो उनका एक एलिग्स रहता है कि माइनॉरिटी हैव इंटीग्रेशनल अप्रोच व्हाइल द माइनॉरिटी पॉइंट टू द इनसिक्योरिटी, और जो मेजॉरिटी होगी वो बोलेगी कि जो माइनॉरिटी है वो इंटीनेशनल है, व्हाइल द माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी होगा वो बोलेगा मेजॉरिटी के मेजॉरिटी उनके इंटरेस्ट को ईट अप कर रहे हैं। इससे क्या होगा, कोलिजन होगा और टेंशन क्रिएट होगी। ठीक है, ये एक मोटा मोटी डिफिनीशन हो गई कम्युनलिज्म की। ठीक है, फिर आप मतलब एक अगर आपके पास ज्यादा डिस्क्राइब करने के लिए जो कि इसका होगा कि कोर एरिया होता है क्वेश्चन का, जो मेन से क्वेश्चन होते हैं ना उनका एक कोर होता है कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया इसका कोर ये है। आप जितना ज्यादा उस बात को एड्रेस करोगे जो मेन जो कोर है क्वेश्चन का उतने ज्यादा मार्क आपको मिलेंगे। अगर आप बीटिंग अराउंड द बुश करोगे तो नंबर कम हो जाएंगे, एवरेज नंबर हो जाएंगे। आप जो कोर एरिया क्वेश्चन का पूछा गया है उस पर जितना फोकस करोगे, आप दूसरी तीसरी लाइन से फोकस करना शुरू कर दिया उसी पॉइंट पे, तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन पे ही ज्यादा टाइम ज्यादा लिख दिया या इधर हियर एंड देयर लिख दिया तो नंबर आपको कम मिलेंगे। तो मेरा एक आइडिया इसमें यही रहेगा कि कम्युनिज्म के बारे में 2 से 3 लाइन लिखिए इसके डिफिनीशन के बाद, उसके बाद आ जाइए कि ये जो है जो पावर स्ट्रगल है रिलेटिव डिप्रिविएशन है उसका जो है रिजल्ट है और उसको एग्जाम्पल समझाना है। तो कोई किसी को याद आता है वही ऐसा एग्जाम्पल इंडियन हिस्ट्री में, पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस, कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसको इलस्ट्रेट करेंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाए तुरंत, जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको लग गया कि आपको आइडिया है। तो हर एक क्वेश्चन का एक कोर पार्ट होता है, उसका एक कोर सलूशन होता है कि आपने ये इंडिकेट कर दिया तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे कि आप क्वेश्चन समझ गए। एनीबॉडी, देखो एक पबना रिपोर्ट हुई थी, पबना रिपोर्ट के बारे में जानता है? हां, पबना सर, ये जो आप पूछ रहे हैं आजादी से पहले कम्युनिज्म सर 1909 के एक्ट द्वारा सर संप्रदायवादी तो है सर, कम्युनिज्म कम्युनिज्म संप्रदायवाद की जो जड़ हुई थी सर 1909 के अधिनियम द्वारा लाई गई थी अंग्रेजों द्वारा। हाँ ठीक,
जो सर हिंदू मुस्लिम में उन्होंने विभाजन किया था और उसी के आधार पर वोटिंग कराई थी। सेपरेट हाँ सर पश्चिम के माध्यम से। भारत में जो विभाजन हुआ है वो इसी आधार पर हुआ है, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर। हमेशा जब भी कोई बात करे तो उसको हमेशा ना कीवर्ड्स में कहें, जैसे आप विभाजन की बात कर रहे हैं टू नेशन थ्योरी सेपरेट इलेक्ट्रेट, तो मैं बात कर रहा हूँ। चलो ये भी सब सारे एग्जांपल सही अच्छे हैं, लेकिन जो जैसे होता है ना कि क्वेश्चन का कोर होता है और कोर को आपको एड्रेस करना है, तो इसमें एक चीज तो हो सकती है पबना, पबना रिवोल्ट हुआ था ना कि यहाँ पे मेजोरिटी जो थे हिंदू बंगाली लैंडलॉर्ड थे, राइट्स थे, ठीक है, जमींदारी सिस्टम के बाद, तो वहाँ पे कम्युनल टेंशन हुई थी पबना में बंगाल में, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब कि पावर का स्ट्रगल इस लेवल तक नहीं आया कि वहाँ पे मतलब कोई मतलब कि पावर का स्ट्रगल नहीं था वहाँ पे, रिलेटिव डिप्रिवेशन तो था, मतलब बेसिक नीड थी, जो राइट्स जो थे उनके जो बेसिक नीड्स पे थे कि भैया हमारा टैक्स ज़्यादा ले रहे हो इसलिए हम रिवोल्ट कर रहे हैं। पावर स्ट्रगल या रिलेटिव डिप्रिवेशन ये दोनों मतलब एक परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, लेकिन है एग्जांपल एक अच्छा, एक भिवंडी का कम्युनल राइट हुआ था 1970 में महाराष्ट्र में, वो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है जहाँ पे क्या हुआ कि मतलब कि ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ और एक पॉलिटिकल जो है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का चुनाव वगैरह हुआ उसमें उसमें फायदा हुआ। तो इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है भिवंडी का जो कम्युनल राइट हुआ 1970 में, एग्जाम्पल है वो भी एग्जाम्पल है, लेकिन पावर स्ट्रगल उसमें एक तरह से मैनिफेस्ट नहीं होता, अगर मतलब क्लियरली मैनिफेस्ट नहीं होगा पावर स्ट्रगल मतलब कि जहाँ पे कोई उसकी वजह से कोई इलेक्शन जीत गया हो, समझ रहे हो। आजकल क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है ना कि कम्युनलिज्म हुआ और उसकी वजह से कोई इलेक्शन, ऐसा कुछ कम्युनलिज्म तो हुआ, पबना भी हुआ, वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम हुआ वहाँ पे, लेकिन टैक्स के लिए लड़ाई हुई, और जो 1984 का बता रहे हो किसी इवेंट के बाद हुआ, समझ रहे हो, कोई एक इवेंट हुई उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंस में चीजें हुई, तो एक ऐसा एग्जांपल जो क्वेश्चन का कोर जो हो उसको एड्रेस करने की कोशिश करो कि जैसे भिवंडी वाला हुआ कम्युनल राइट, वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब पावर लूम इंडस्ट्री थे वहाँ पे, माइनॉरिटी वाले काम कर रहे थे तो वो लेबर थे, तो उसमें क्या हुआ कि मतलब जो हुआ उसके बाद वो पॉलिटिकल सेटअप हो गया, पॉलिटिकल सेटअप के बाद वही लीडरशिप जो है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में आई, तो वो चीज़ें वहाँ से हुई। तो इसका एग्जाम्पल एक यही है कि भिवंडी का जो कम्युनल राइट हुआ 1970 का, वो जो है मैनिफेस्ट करता है कि कम्युनलिज्म राइजेस आइदर टू द पावर स्ट्रगल और द रिलेटेड डिप्रिवेशन। तो इसको कोट करो मेन बॉडी में, ठीक है, इस इवेंट को जैसे क्वेश्चन कोई भी होगा उसका एक इंट्रोडक्शन में वही एरिया डिस्कस कर दो, डिफिनेशन वगैरह हो गई या जो लाइन स्टेटमेंट दिया गया है उसको डिस्क्राइब कर दो मेन बॉडी में, उसका कोर एड्रेस करो, फिर उसका कंक्लूड कर लो, ठीक है, कि मतलब कि रिलीजन कंक्लूजन में ऐसा लिखना कि रिलीजन हैज बीन यूज्ड एज द टूल फॉर अटेनिंग पावर बट पॉलिटिकल पावर इन अदर सो लीड टू द ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म, ऐसा कुछ भी, मतलब कि जो कुछ अच्छा एक पॉजिटिव कंक्लूड करो कि मतलब सोशल फैब्रिक मतलब ये होना चाहिए, लेकिन इसका एफिशिएंट मेजर होने चाहिए कि इविल ऑफ कम्युनिज्म हो गया और जो सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया उसको डिस्ट्रॉय ना करे, कि वी हैव टू अडॉप्ट द मेजर्स टू कंटेन द इविल ऑफ कम्युनिज्म, ऐसा कोई कंक्लूड करो, या लिखो कि वी हैव टू चेक द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म टू मेंटेन द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया, मतलब ऐसा हमेशा एक हैंडी जो है कंक्लूजन आपके पास होना चाहिए और हैंडी इंट्रोडक्शन होना चाहिए हर टॉपिक का। जैसे कम्युनिज्म है तो कम्युनिज्म की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि मतलब इस कम्युनिज्म होता क्या है, इज द बिलीफ दैट ए ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो ए पर्टिकुलर रिलीजन, तो दे हैव एज ए रिजल्ट दे हैव सम कॉमन पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, तो और उसमें फिर उसके बाद क्या होगा और कैसे, ये तो हो गया उनका पर्टिकुलर, उसके बाद की जो मेजॉरिटी है वो सोचती है कि जो माइनॉरिटी है दे हैव इंटरनेशनल अप्रोच, और माइनॉरिटी सोचती है कि दे आर जस्ट क्रिएटिंग न्यूसेंस एंड क्रिएटिंग द कोलिजन एंड टेकिंग अटेंशन टू पॉलिटिक्स द इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ देयर कम्युनिटी। तो ऐसा एक आपके पास हैंडी इंट्रोडक्शन और हैंडी कंक्लूजन होना चाहिए, फिर मेन बॉडी में अब जो कोर ऑफ जो जैसे क्वेश्चन हमेशा प्राइमरी टॉपिक में नहीं पूछा जा सकता, सेकेंडरी में भी पूछा जा सकता है, तो आप मेन बॉडी है वो हमेशा ऐसे बना के रखें कि वो उस कोर जो स्टेटमेंट आया है क्वेश्चन का उसको एड्रेस करे, हैंडी इंट्रोडक्शन हैंडी कंक्लूजन रहना चाहिए आपके पास, ठीक है। इस क्वेश्चन में और किसी कोई डाउट हो पूछे हमसे, जब क्या लिखना है, कैसे कैसे अप्रोच करना है बताएं। वो भी हो सकता है कि मतलब इंडिपेंडेंस रिलेटेड, हाँ हाँ
उन्होंने भी यूज किया, तो कैसे मतलब उसको जो भी आप स्टेटमेंट करेंगे मेंस में उसको जस्टिफाई करेंगे, ठीक है, जैसे आपने ब्रिटिश का ब्रिटिश रूल का कर लिया, तो कम्युनिज्म तो राइजेस ब्रिटिश रूल के, मतलब हम लोग अगर कम्युनिज्म को पढ़ते हैं तो वो भी कहते हैं कि प्री ब्रिटिश, ड्यूरिंग ब्रिटिश, पोस्ट ब्रिटिश, तो उसका अगर अगर हम उसका वो करते हैं तो वो तीन स्टेज में पढ़ते भी हैं, तो उसको भी क्रोट कोट कर सकते हैं, बस हमें जैसे इलस्ट्रेशन देना है तो उसको मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेन बॉडी पे, और हमेशा जो जैसे जो कीवर्ड होगा, एक क्वेश्चन होगा, उसका कोर एरिया होगा कि पूछा क्या जा रहा है, और एक होगा टॉपिक, तो इंट्रोडक्शन को हमेशा या तो दो तीन लाइन में ऐसा ढाई लाइन में ऐसा लिखने की कोशिश करो, जो स्टेटमेंट है उसी को एक्सप्लेन कर दो, जो स्टेटमेंट दिया गया है उसी को एक्सप्लेन कर दो, अगर वो नहीं हो रहा बहुत ही क्रिटिकल है तो उसकी डिफिनेशन लिख दो जो कीवर्ड है, फिर मेन बॉडी में आओ कि जैसे इसमें इलस्ट्रेशन पूछा है तो कोई एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल करके इलस्ट्रेशन करके उसको एक्सप्लेन कर दो पॉइंट वाइज पॉइंट, फिर इसका कंक्लूड कर लो, कंक्लूड करने के लिए भी सब हैंडी वर्ड्स होने चाहिए आपके पास कि मतलब ये हो गया ऐसे ऐसे करके, तो ये चीजें होनी चाहिए, जैसे मैंने इसमें डिफिनेशन करा दी कम्युनिज्म में कि डिफिनेशन क्या है, और कंक्लूजन में यही कि वी हैव टू मेंटेन द मतलब कि सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया टू का सो वी हैव टू कंटेन द ईविल ऑफ कम्युनिज्म ऐसा करके टू एंटरिंग इन टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी ऑफ कंट्री वी हैव टू मेंटेन द ईविल ऑफ कम्युनिज्म ऐसा कोई पॉजिटिव जो है कंक्लूजन आपके पास इन हैंड होना चाहिए, उसी को आप जब लिखते जाओगे तो वही इंप्रूव होता चला जाएगा कि हम क्या लिख रहे हैं, तो लिखना सबसे इम्पोर्टेंट है, नॉलेज होने से ज्यादा लिखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पास वही फिर वर्ड आते जाएंगे, आपके वो कैब में वर्ड बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये था जो आया था पहले, किस वर्ष आया था सर ये क्वेश्चन? 2018 में आया था, कम्युनिज्म राइजेस आइदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटेड डिप्रिवेशन, आर्गु बाय गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशन, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है, अब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आर वी लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, ये ग्लोबलाइजेशन से है, ये टॉपिक जो इसका होगा ग्लोबलाइजेशन होगा, आर वी लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी, ये डिस्कस लिखा, इसमें लिखा है डिस्कस, और इसका आप क्या है कि जैसे अब कोई आइडिया किसी को क्या मैं बताऊं, हेलो, तो देखो इसमें ऐसे करेंगे जैसे कि आर वी लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल ग्लोबल आइडेंटिटी, एक ये स्टेटमेंट है, ठीक है, तो हम पहले तो इंट्रोडक्शन में दो तीन लाइन लिखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के बारे मतलब कैसे होता है, ठीक है, उसके बाद एक आर्गुमेंट हम क्रिएट करेंगे जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा कि मतलब कि जो कि वी आर लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, मैं कुछ हम लोग कुछ आर्गुमेंट ये क्रिएट करेंगे, फिर दूसरा पार्ट होगा जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि ये मतलब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट अगेंस्ट इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि वी आर लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी, तो उसको इस फैक्ट इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने वाले कुछ फैक्ट बताएं आप लोग, क्या होगा सर? पहला तो ये हो सकता, सर पहला तो ये हो सकता है जैसे हमारे जो हथकरघा और छोटे उद्योग थे सर, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सर आज वैश्वीकरण ने सर मशीनरी का इतना प्रयोग कर दिया है कि गांव क्षेत्र में बहुत कम हो गया है, और सर जैसे आज हम हमारे कल्चर में बर्गर, पिज्जा, जंक फूड की सर ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, जिससे हमारी शारीरिक अक्षमता में भी वृद्धि हो रही है सर इससे, और सर हमारे जैसे क्लासिकल नृत्य है, रंगमंच जैसी जो सर संस्कृति है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है सर, ठीक है। और सर अभी अभी जैसे सर कोरोना वायरस आया था, तो सर कोरोना वायरस जो महामारी थी सर ये वैश्वीकरण का ही तो कारण था, जो चीन से होकर हमारे भारत तक पहुंचे, पूरे विश्व तक पहुंचा है सर, तो सर ऐसे अगर बता सकते हैं शिक्षा का भी व्यवसायीकरण होने लगा है, शिक्षा आजकल केवल पैसे कमाने के लिए रह रही है, सर ये बता सकते, ठीक है। तो आर वी लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी, तो हमारी लोकल आइडेंटिटी के जो एस्पेक्ट होंगे, सबसे पहले तो हो गया लैंग्वेज, जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है उसमें इंग्लिश जो है ना एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होगी, ठीक है, हमारी लोकल आइडेंटिटी क्या है, हमारी भाषा क्या है, जो भी है हिंदी हो गई, जो भी हो गई तेलुगु, तमिल, कन्नड़, तो लॉस ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर द इंग्लिश, मतलब ये स्टेटमेंट ये चीजें जो है वो स्टेटमेंट को वैलिडेट करती हैं कि वी आर लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी, कि मतलब जो लैंग्वेज है इंग्लिश जो है रिप्लेस कर रही है, पहली चीज तो ये हो गई। फिर उसके बाद जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक हो गया, वो पॉप और जैज जो म्यूजिक आ रहा है उसको रिप्लेस कर रहा है, तो लॉस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक ये एक चीज है जो इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करती है कि वी आर लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी। अब हमारी लोकल आइडेंटिटी किस चीजों से होती है, भाषा से हो गई, संगीत से हो गई, ठीक है, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, हमारी मोरल एजुकेशन का जो बेस था पहले वाला, हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हो गई, हमारी क्लोथिंग हो गई, हमारी फूड चॉइसेस हो गई, हमारी कल्चरल वैल्यूज हो गई, आयुर्वेद हो गया, योगा हो गया, वो जो मॉडर्न मेडिसिन से रिप्लेस हो गए, फॉर द गुड
for the bad. We are not discussing that, but we are saying we are losing our local identity for the global identity. इस statement को पहले हम चार पांच चीजों से support करेंगे कि we are losing our local identity for the global identity. फिर इसी के against में जाएंगे, इसके positive कुछ बताएंगे, उसके बाद conclude करेंगे. तो हमारा जो भी mains का question होगा 150 word का होगा, तो शुरुआत में थोड़ा सा introduction में आप explain करेंगे चीजें. कि मतलब ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या हुआ, कि हमारी जो है ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, हमारी लोकल लैंग्वेज हो गई, फूड चॉइसेस हो गई, ड्रेसिंग स्टाइल हो गई, म्यूजिक हो गया, फैमिली हो गया, कल्चर वैल्यू हो गया, इस पे इंपैक्ट डालता है, ऐसा लिखना है. कि फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि कुछ सारे स्टेटमेंट डालोगे जो इस फैक्ट को एस्टेब्लिश करते हैं कि मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसके सपोर्ट में कुछ, उसके बाद कुछ अंगेंस्ट में. तो सपोर्ट में मैंने ये बताया कि लोकल लैंग्वेज जो है इंग्लिश इंग्लिश रिप्लेस कर रही है, म्यूजिकल म्यूजिक जो है क्लासिकल म्यूजिक को पॉप और जैज रिप्लेस कर रहा है. तो हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी है उसको इंडिविजुअल में ज्यादा, जैसे मेट्रोपोलिटन सिटी हो गई, वहां पे लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है. हमारा पहले क्या था कि सोसाइटल जो था कंसाइंस कलेक्टिव था, वो हमारा क्या था कि मतलब कलेक्टिव आइडेंटिटी थी, मतलब हम लोग सभी दूसरे से मिलते थे. अब वो इंडिविजुअलिज्म हो गया मेट्रोपोलिटन सिटी में ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन. फिर उसका ज्वाइंट फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गई. जो मॉरल एजुकेशन थी हमारी वो एडवांस रेशनल और कमर्शियल एजुकेशन हो गई. फिर हमारा जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज था वो भी अब थोड़ा सा डाइल्यूटेड हो गया ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन की वजह से. ठीक है, हमारा जो क्लोथिंग पैटर्न था वो भी थोड़ा डिजॉल्व हो गया, जो भी हुआ फॉर द गुड्स फॉर बैड मैं नहीं कह रहा. फूड चॉइसेस थी जो वो भी जब इटालियन खा रहे हैं चाइनीज खा रहे हैं तो वो भी डिजॉल्व हुई इंडियन फूड चॉइसेस. और जो हमारी कल्चरल वैल्यू थी फ्रीडम ऑफ स्पीच या ट्रेडिशनल वैल्यू या मॉरल डिसेंसी जो भी था वो सब रिस्पेक्ट टू लीडर वो सब भी डिक्लाइन हो रही है. और आयुर्वेदा योगा भी जो है लॉस ऑफ इंडिजीनियस जो हमारा था योगा या आयुर्वेदा वो भी थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है. दीज आर द स्टेटमेंट वी आर सपोर्टिंग कि वी आर लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी. उसके बाद हम जाएंगे कि हम कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मतलब ग्लोबलाइज जो ग्लोबल आइडेंटिटी की वजह से हमें फायदा हो रहा होगा. जैसे कि जैसे हम लोग योगा दिवस नहीं मना रहे 21 जून को, तो ये एक यूनिवर्सलाइज हो गया योगा दिवस. ठीक है, पहला पॉजिटिव. दूसरा हो रहा है कि हम जो हमारे फेस्टिवल है वो दे आर बीइंग सेलिब्रेटिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. जैसे दीपावली यूएस में भी सब सेलिब्रेट हो रही है, छठ पूजा अब मान लीजिए वहां पे भी मॉरिशस हो गया और बाहर कंट्री में भी सब सेलिब्रेट हो रही है. तो ये दी जा रहा एग्जांपल कि वी अवर वैल्यू आर बीइंग सेलिब्रेटेड एज द ग्लोबल वैल्यू. ठीक है, तो जैसे यूनिवर्सल योगा दिवस वाला हो गया और ये सब दीपावली वाला हो गया, क्योंकि यूएस का प्रेसिडेंट भी बोलता है हेलो दिवाली. तो दीज थिंग, जैसे वर्ल्ड हिंदी दिवस भी अब वहां पे वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हो रही है, मतलब तो ये सब चीजें. इस्कॉन टेम्पल का जो कॉन्सेप्ट है कि भक्ति योगा वो वेस्टर्न कंट्री में भी काफी रिलीजियस टूरिज्म इंडिया में प्रमोट कर रहा है इस्कॉन टेम्पल का जो भी है. ठीक है, तो दीज आर द स्टेटमेंट वी आर सेइंग दैट लोकल वैल्यू आर बीइंग प्रमोटेड एज द ग्लोबल वैल्यू. ठीक है, इसके बाद कंक्लूड कर देंगे हम लोग की वी आर लिविंग इन द मल्टीकल्चरल सोसाइटी वन वैल्यू कैन नॉट प्रिसाइड towards other value, so we have to assimilate to gain the betterment of society, a global identity, jo bhi hai, concluded achhi value mein, we don't need to worry about the globalization, we have to adopt the virtuous value, matlab ki jo achhi value hai from the other society also. Theek hai? Okay, sir. To aise karna hai, matlab ki koi bhi question approach karna hai, to pehle introduction mein jana hai, phir uska core hai, usko support karna hai, uske engage mein jana hai, phir conclude karna hai. जो 20 क्वेश्चन हो तो 20 में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट, सारे क्वेश्चन में तो आप नहीं कर पाओगे ये सब चीजें, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ये चीजें करने की कोशिश करो. ठीक है, अब मैं तीसरे क्वेश्चन पे जा रहा हूँ. इसमें किसी को बोलना हो तो अभी बताएं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैंने पिक किया है, हाउ हैव डिजिटल initialization in India contributed to the functioning of education system in general country. Elaborate your answer. मतलब जो digitalization India में हो रहा है उसकी वजह से जो education system है हमारी India में, ये education का part है, जो हमारे यहाँ की word है education, उससे social sector में उससे एक question आया हुआ है कि जो digitalization हो रहा है उसकी वजह से जो functioning है Indian education system की वो कैसे impact हुई है. Elaborate your answer. तो इसको कैसे approach करेंगे आप, डिजिटलाइजेशन हो रहा है इंडिया में, हाउ इट कंट्रीब्यूटिंग फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम. देखो इंडिया में मेजर जो प्रोजेक्ट है डिजिटलाइजेशन के, जो
देखो एक दो चीजें हैं इसमें, दो वर्ड की वर्ड, एक डिजिटलाइजेशन, एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो डिजिटलाइजेशन कैसे हो रहा है और कैसे इंपैक्ट कर रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, जैसे कोई क्वेश्चन है इसको बाइफरकेट कर लो कि उसके दो कीवर्ड है, दोनों का कोरिलेशन इसमें पूछा गया है। हमेशा क्वेश्चन एक होती फेस वैल्यू, एक होती कोर वैल्यू। जो अगर आप क्वेश्चन को फेस वैल्यू पे सॉल्व करके आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, अगर फेस क्वेश्चन को कोर वैल्यू पे सॉल्व करोगे तो नंबर मिलेंगे। ये हमेशा मतलब एक दिमाग में बना के रखो कि अगर आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे नहीं समझ में आया और फेस वैल्यू पे ही सॉल्व, जल्दी बहुत होती है क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 20 क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप फेस वैल्यू पे करके आओगे तो आपको एवरेज से कम मार्क मिलेंगे, अगर आप कोर वैल्यू की क्या पूछा गया एग्जैक्टली तो आपको बुरे नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। मेंस का एक यही सेटअप है, बहुत सारे लोग उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं तो अटेम्प्ट खराब रहता है। तो यही चीजें हैं, तो डिजिटल इंडिया जो हुआ उसमें दो तीन ऐसे मतलब कि दो तीन ऐसे सर, काम थे कोर वैल्यू से और फेस वैल्यू से, इसको समझा दीजिए सर कैसे हम लोग। हां जैसे मैंने बोला कि जैसे कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो जो फेस वैल्यू पे जो अटेम्प्ट करेगा ना तो वो बोलेगा कि हां डिजिटल इंडिया को एक्सप्लेन कर लिया, फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन किया और दोनों थोड़ा सा कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन जो फेस वैल्यू पे ये इस तरह से करेगा, जो कोर वैल्यू पे करेगा तो उसने बोला कि कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है डिजिटल इंडिया फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है कि मतलब ये काज है, कॉन्सिक्वेंस है, डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है वो काज है, उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो रहा है वो जो फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया है। तो जो इस काज और कॉन्सिक्वेंस के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करेगा अपने क्वेश्चन में दूसरी तीसरी लाइन से ही, वो कर रहा है कोर वैल्यू पे एड्रेस। अगर फेस वैल्यू में हो गया कि दोनों को एक्सप्लेन कर दिया फिर हल्का सा नीचे आके थोड़ा सा कोरिलेशन कर दिया, तो उसने तो क्वेश्चन का जो आंसर लिखा है 20-30 पार्ट में ही कि उसने एक्सप्लेन किया वो चीजें, जबकि तुम्हें 80% पार्ट क्वेश्चन का यही रखना चाहिए कि कैसे जो है डिजिटल इंडिया जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है तो फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम, 80% 75% यही होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। तो ये चीजें करनी है बस। तो इसमें क्या है, जैसे कि डिजिटल इंडिया में दो तीन स्कीम है ऐसे जो मतलब कि काफी कंट्रीब्यूट करे, जैसे स्वयं पोर्टल हो गया, दीक्षा प्लेटफॉर्म हो गया, ये काफी मतलब काफी ब्रॉड लेवल पे जो एजुकेशन है इंडिया में काफी रिफॉर्म कर रहे हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन को, तो मतलब ये स्कीम जो है काफी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ऐसे लिखेंगे कि रिसेंट टाइम देयर हैज बीन ट्राइज इन द डिजिटल एजुकेशन प्रोडक्ट इन इंडिया बोथ इन द प्राइवेट सेक्टर एज वेल द पब्लिक सेक्टर। अभी क्या चल रहा है कि ऐप बेस्ड क्लासेस चल रही है, जैसे हम लोग भी पढ़ रहे हैं डिजिटली पढ़ रहे हैं, तो स्वयं पोर्टल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है, दे हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट इन इंडिया, और उसका एस्टिमेट भी है, कुछ डाटा भी है कि दे आर अभी इंडिया में भी मतलब 39 बिलियन इन 2018 एंड द एक्सपेक्टेड टू रीच द 360 बिलियन बाय द 2024। तो जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उसमें ड्रॉबैक क्या थे, उसमें ड्रॉबैक क्या थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उसमें कुछ ड्रॉबैक थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और मतलब कि जैसे कि कोई मतलब कि जैसे आप विलेज एरिया में हो तो मतलब कि जो गर्ल्स पॉपुलेशन थी वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्लीनलीनेस हो गया, टॉयलेट हो गए, डिस्टेंस फ्रॉम होम हो गया, इसकी वजह से वो लोग रिस्ट्रेन कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम, और डिजिटल जो आया उसने इन सब बैरियर को मतलब रिमूव कर दिया। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि मतलब इस बात को एक्सप्लेन करें कि कैसे डिजिटल इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि जो ड्रॉबैक थे एजुकेशन सिस्टम जो हमारा यूनिवर्सल नहीं हो पा रहा था कि देयर वाज सम रीजन कि जो गर्ल्स हमारी जो हाफ पॉपुलेशन है वो क्लासरूम से दूर थी क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया पे नहीं था, लेकिन जो डिजिटल है डिजिटलाइजेशन है वो इस प्रॉब्लम को ही डिसॉल्व कर दे रहा है कि क्लीनलीनेस हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम होम हो गया, हमें वहां जाना ही नहीं, क्लासरूम एट द होम हो गया ना, हम डिजिटली पढ़ रहे ले रहे हैं, तो ये एक वन ऑफ द मेजर रीजन है। फिर उसके बाद दूसरा होता था कि पहला तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट है एक फिजिकल क्लास को मेंटेन करने के लिए और एक ऑनलाइन क्लास को मेंटेन करने के लिए, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, तो दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट। तीसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता था वो भी अब यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, और डिजिटल जो इनिशिएटिव है ऑनलाइन क्लासेस है वो मतलब कि 3D प्रेजेंटेशन हो गया, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ है वो मतलब कि जो क्लास एट होम का कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही फिजिबल कर दे रहा है। ये सब तो हो गया कॉज, मतलब कि कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है डिजिटल इंडिया। पहले तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां थी, उसको डिजिटल ने मतलब रिमूव कर दिया, डिजॉल्व भी कर दिया कि ये कोई मैटर ही नहीं करता, हम डिजिटली एट द होम जा रहे हैं। फिर एक होता है ड्राइविंग फैक्टर होगा, जो लॉकडाउन लगा हमारे इंडिया में
पोस्ट मार्च 2020, उसके बाद क्या वो लॉकडाउन लगी गया, अब तो ड्राइविंग फोर्स था, ये इमीडिएट कॉज होगा कुछ किसी इवेंट का, तो ये दैट वाज द इमीडिएट कॉज लॉकडाउन जो लगा, कि ये बाई कंपल्सन हो गया कि भाई डिजिटली तो हमको पढ़ाना, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, अभी तो चल रहा था हाफ हाफ, चले ठीक है डिजिटली करते हैं नहीं करते, लेकिन जो लॉकडाउन लग गया उसके बाद ये कंपल्सन हो गया, उसके बाद ये सारी चीजें बहुत ही मतलब ड्रास्टिकली चेंज हो गई, ठीक है बस। अब लेकिन इसको कंक्लूजन कैसे करेंगे, कंक्लूजन कैसे करेंगे, सब तो गुड हो गया, लेकिन कंक्लूड कैसे करेंगे इसको, ये कौशन के साथ कंक्लूड करेंगे कि टेक्नोलॉजी है पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट, मतलब हमें कंक्लूड ये करना है कि जैसे कि अब क्या कि हाई हमारा जो बेनिफिट था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो, अब इसी को डिजिटली बहुत कास्ट इफेक्टिव कर दिया, कास्ट बहुत कास्टली कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए कि मतलब कि मतलब एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वी शुड नॉट मतलब फोर्स देम टू पे हैवली, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि डिजिटलाइजेशन हो गया तो सबको मतलब हैवली मतलब ये डाटा महंगा हो जाए आपका, कि मतलब ऑनलाइन एक्सेस ही इतना कॉस्टली हो जाए कि आप लोग फिजिकल क्लास में जाना पड़ जाए, तो डिजिटलाइजेशन का जो कॉस्ट है वो सब ना हो, तो ये सारे फैक्टर ऐसा ही कंक्लूड करना है आपको एक दो लाइन में, कि मतलब कि ऐसा करना है कि लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है कैन हैव एक्सेस टू दिस रिवोल्यूशन या दिस मॉडर्न रिफॉर्म, तो ये आपको कंक्लूड करना है, एक चीज कंक्लूजन में यही रहना चाहिए कि मतलब कि पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है। किसी कुछ कह रहा है इसके इस क्वेश्चन में कुछ, मतलब कि जो इंडियन सोसाइटी है कैसे वो ट्रेडिशनल जो सोशल वैल्यू है उसमें कंटिन्यूटी कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, कर पा रही है तो उसको आर्गुमेंट, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, पहले बोलेंगे कर पा रही है, फिर बोलेंगे नहीं कर पा रही, फिर कंक्लूड कर देंगे, दैट इज द वन ऑफ द अप्रोच, मतलब यही एक अप्रोच नहीं है, जैसे 20 क्वेश्चन है तो 4-5 क्वेश्चन में आप इसको अप्रोच करेंगे, 5-6 क्वेश्चन में दूसरी अप्रोच लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो पहले तो जैसे इंडियन सोसाइटी की कुछ वैल्यूज होंगी, ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज होंगी, तो इंट्रोडक्शन में आप वो डालो कि मतलब कि द एसेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी लाई इन द हार्मनी इन द डाइवर्स, वही यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट डालो कि डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, एथनिसिटी है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, ठीक है, वे सब हमारे अलग अलग है लेकिन वी आर यूनाइटेड, ऐसा कुछ करके डालो इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद हम कुछ ऐसे पॉइंट डालेंगे जो सपोर्ट कर दें कि इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन द ट्रेडिशनल सोशल वैल्यू, तो ऐसे कौन से पॉइंट होंगे जिससे ये एस्टैब्लिश होता है फैक्ट कि वी आर मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी इन द ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, कोई एग्जांपल देना चाहेगा? जी सर, बिलीव इन द मैरिज इंस्टीट्यूशन, अभी भी लोगों का अच्छा खासा बिलीव रहता है कि शादी का इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क में, सर अभी भी जो फैमिली की वैल्यूज हैं वो भी कंटिन्यू हो रही है, गैदरिंग्स हो गई कि अगर कहीं भजन हो रहा है तो सब ध्यान से मतलब एक कलेक्टिव रूप से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे सर, और हम नियर बाय एग्जाम्पल अपने आस पास के देखें तो सर जैसे फेस्टिवल हो गए अभी भी हम उसी तरीके से मनाना पसंद करते हैं जैसे हमने अपने पेरेंट्स से सीखा या दादी दादा से सीखा है, ठीक ठीक, उन्ही चीजों को हम फॉलो करना ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, ठीक है ठीक है। तो मतलब जैसे सुप्रीम सोशल कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यू है तो जिसमें क्या है ना कि जैसे कि कॉस्मिक विजन है इंडिया का कि मतलब कि वी सेलिब्रेट द मतलब जो तुमने बताया ना फेस्टिविटी वाला, तो वो फेस्टिविटी वाला है, कॉस्मिक विजन है कि मतलब वी सेलिब्रेट द ऑल फेस्टिवल इन द सॉलिडेरिटी, तो दीज आर द ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, तो पहले ऐसा डाल दो कि हमारा जो कॉस्मिक सोशल विजन है, दूसरा टॉलरेंस कि मतलब वी आर मल्टी रिलीजियस मल्टी एथनिसिटी सोसाइटी बट वी आर लिविंग peacefully and coexistence with the other religion, ठीक है। एक दूसरा डालो कि हम यार tolerant, ये हमारी traditional social value है, मतलब हमें explain वही करना है, question में वही डालना जो चीजें काफी socially acceptable है और मतलब mains के answer writing में जो बहुत ही impact डाले, तो मतलब एक tolerance वाला clause, एक harmony वाला clause कि Indian philosophical system और culture है try to innate the harmony and order in the society, एक harmony वाला हो गया, एक tolerance वाला clause, एक cosmic जो हमारा vision है वो वाला क्लॉज की दी ज्यादा ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज और दे आर पर्टेनिंग दे आर कंटिन्यूटी इन सोसाइटी, फिर उसके बाद एक सेंस ऑफ हार्मोनी टॉलरेंस कॉस्मिक विजन और कंटिन्यूटी ऑन स्टेबिलिटी, मतलब इंडियन सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि काफी बाहर से काफी इन्वेडर्स आए, मुस्लिम्स आए, ब्रिटिशर्स आए, बट जो हमारी सोसाइटी का जो भी
डेकोरम है वो कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी, कि हमारे जो फेस्टिवल है, हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारी जो फिलोसफी, हमारे जो लिटरेचर है, जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, दे आर अलाइव नाउ. तो दीज आर द कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल हो गए. और एडाप्टेबिलिटी की मतलब हमने क्या किया, एडाप्ट कर लिया सारी चीजें. हमारे यहाँ इंडियन सब बेस जो है ना, हमारे यहाँ जो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर का, ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज का, वो सबसे बड़ा बेस है कि हमने एडॉप्ट कर लिया. ब्रिटिशर्स आए, उनकी भी कुछ बातें हमने अडॉप्ट कर ली. उनके उनसे हमने क्या डेमोक्रेसी ले ली, ब्यूरोक्रेसी ले ली. ब्यूरोक्रेसी तो उन्हीं से ले ली, मतलब जो भी था हमारे यहाँ उसकी पहले ऑटोक्रेसी थी. तो हमने अडॉप्ट किया टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग, तो एडॉप्टेबिलिटी भी हो गई. उसके बाद जो हमारा जो मतलब कंटिन्यूटी कैसे है, नेगेटिव वर्ड में कास्ट सिस्टम और हायरार्की, मतलब वी आर कंटिन्यूइंग दैट आल्सो, मतलब कि फ्रॉम द प्रीवियस सोसाइटी, सोसाइटल वैल्यूज है. फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ऐसे ही पांच छह पॉइंट में वी आर एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन द ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वी विल पुट द सम एग्जांपल विच आर द डाइवर्जेंट इन द ट्रेडिशनल सोसाइटल वैल्यू, कि ऐसे कुछ एग्जांपल हम सेटअप करेंगे जो मतलब डाइवर्जेंस है इस स्टेटमेंट के, जो अंगेंस्ट है इस स्टेटमेंट के. ऐसा कौन सा एग्जांपल होगा? एक दो एग्जांपल बताइए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है. जैसे कास्टिज्म ही हो गया, कास्टिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, न्यूक्लियर फैमिलीज की बात अभी करी थी हमने, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करी थी. मतलब वी अडॉप्ट या वी एक्सेप्ट दैट कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो बढ़ा है. तो मतलब हमारी ट्रेडिशनल सोशल वैल्यू थी उसमें नहीं था, तो हमारा कास्टिज्म जो था सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है, वो चीजें हैं कि वो हम मेंटेन नहीं कर रहे इंडियन सोसाइटी. हमारे कहने का मतलब कास्टिज्म पहले था डिवीजन ऑफ लेबर, तो अब जो हुआ है वो काफी एंटी सोसाइटल हो गया है. कम्युनलिज्म है जो काफी मतलब एंटी सोसाइटल है, या हमारी ट्रेडिशनल जो सोशल वैल्यू है उसको सपोर्ट नहीं करता. न्यूक्लियर फैमिली तो विजिबल ही है कि पहले ज्वाइंट फैमिली थी, हम न्यूक्लियर फैमिली हो गई. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भी क्लॉज है, तो ऐसे ऐसे इसको इसके अंग्रेज़ में जाएं, फिर कंक्लूड कर देंगे हम कि मतलब हम सर्वधर्म समुदाय और डाइवर्सिटी वी अडेयर टू द रूट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर. अवर सोसाइटल जीनियस इज द जो पैसन टू द फॉर्म ऑफ कोएग्जिस्टेंस, और मतलब जितने भी फैंसी वर्ड हैं, अच्छे वर्ड हैं, इससे रिलेटेड हम कंक्लूड करने पे यूज कर लेंगे. ठीक है जी सर, ऐसे भी कर सकते हैं सर कंक्लूड की हम जो है जो नई चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो सोशल वैल्यूज है पुरानी ट्रेडिशनल उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं. ऐसा नहीं क्यों, बिल्कुल बिल्कुल. तो कंक्लूजन ऐसा ही कुछ हो सकता है कि सर्वधर्म समुदाय और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब की एक कीवर्ड होना चाहिए जिससे उसको एक्चुअली क्या होता है कि जो आंसर राइटिंग चेक होती है तो यही देखता है कि क्या आपने किया, क्या आपका जो सेगमेंटेशन है आंसर राइटिंग वो कैसे किया आपने. मतलब आपने इंट्रोडक्शन दो ढाई लाइन में लिख दिया, इंट्रोडक्शन को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए. मेंस के जीएस में इंट्रोडक्शन को बस दो लाइन मैक्सिमम, दो लाइन में इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक मेन बॉडी का एक पहला पार्ट होगा जो स्टेटमेंट को या जो स्कोर एरिया को एड्रेस करे एक दो पैरा में, उसके बाद कंक्लूड कर दो नाइसली. 7-8 मिनट में इतना ही किया जा सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ किया नहीं. बस इसीलिए होता है कि आपको मतलब हमेशा टू द पॉइंट लिखें. टू द पॉइंट का मतलब ये हुआ कि कोर जो जो स्टेटमेंट पूछा जा रहा है वही बताएं आप लोग. जी सर, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है illustrate the relation between globalization and new technology in the world of scarce resource with special reference to India. देखो इसमें भी दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, और दोनों का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है, उसके बाद उसमें रेफरेंस मांग रहा है इंडिया का. देखो पहले क्वेश्चन कैसे आते थे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे कि ये क्या होता है इसको एक्सप्लेन करो या ऐसा ऐसा. अभी मेन क्वेश्चन क्या आता है कि दो टॉपिक होगा उनको कोरिलेट करेंगे, फिर उनको रेफरेंस टू इंडिया या रेफरेंस टू वर्ल्ड या क्या चेंज हुआ है वो ऐसा करेंगे. मतलब दो पार्ट होंगे और काफी मतलब सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन पे होगा, सेकेंडरी जो वर्ड है उन पे होगा क्वेश्चन, प्राइमरी जो कीवर्ड है उन पे नहीं होगा क्वेश्चन. तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी illustrated the relationship between the globalization and new technology in the world of scarce resource. कि जहाँ पे इस वर्ल्ड में स्कैर्स रिसोर्स है वहाँ पे रिलेशनशिप स्टडीज करो ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी पे. तो हम जो पहला स्टेटमेंट होगा वो पॉजिटिव पर जाएंगे, पहला जो पार्ट होगा दूसरा पार्ट नेगेटिव पर जाएंगे, उसका कंक्लूड कर लेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन में जो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कुछ आ रहा है इम्पैक्ट, मतलब इन द बैकग्राउंड ऑफ स्कैर्स रिसोर्स इन द वर्ल्ड, उसका क्या रेफरेंस है. इंटरडिपेंडेंस हो गया है जो की बढ़ रहा है, और इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी,
वर्ल्ड इकोनॉमी, सोसाइटीज, कल्चर, कुछ भी कर लो आगे, कैसे हो रहा है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी एंड द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द पीपल. ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो यही हुआ ना. ग्लोबलाइजेशन की अगर वन लाइन डेफिनेशन होगी तो क्या होगी, ग्लोबलाइजेशन की वन लाइन डेफिनेशन यही होगी, growing interdependence and the integration of the world economy, society and the culture brought abroad by the cross border trade of goods, services and technology and the flow of investment and the peoples. इसके पॉजिटिव क्या है, इसके पॉजिटिव यही है कि जो मतलब कि जो स्कैर्स नेचुरल रिसोर्स हैं उनका इफिशियंट यूज हो रहा है ग्लोबलाइजेशन. मान लीजिए कि कोई कोई कंट्री है जिसके पास स्कूल का प्रोडक्शन ज्यादा है, ठीक है, और किसी कंट्री के पास स्कूल की अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो वो अपना इलेक्ट्रिसिटी या जो एनर्जी प्रोड्यूस करना है वो ऐसे प्रोड्यूस कर सकता है. यही तो इंटीग्रेशन हुआ कि ग्लोबलाइजेशन न्यू टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से हमारा जो क्या पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव तो ये हो सकता है कि इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इफिशियंट यूज हो रहा है. दूसरा ये हो सकता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, कि मान लो किसी के पास वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि डिजास्टर में मान लेते हैं कि डिजास्टर में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है फॉर द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे इंस्टीट्यूशन है जो सस्टेनेबल स्प्रिट की वजह से जो कोलिजन कर रहे हैं कि मतलब डिजास्टर को इम्प्रूव, मतलब डिजास्टर को टेकलिंग को इम्प्रूव किया जाए. तो ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, ऐसा कुछ एनर्जी इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो रही है जो स्कैसिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय द सिक्योरिंग द सोशल, इंडिया इज द लीडर इन द ISA. तो ये सारी चीजें हो रही है, ये टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के इंटीग्रेशन से तो हो रही है, ये पॉजिटिव है. इसके डिफेंस हो रहा है मेरे ख्याल से, ब्रह्मोस बनाई इंडिया ने, ठीक है, बराक मिसाइल बनाई इंडिया ने इजराइल के साथ और ब्रह्मोस बनाई रशिया के साथ. तो यही तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जो न्यू टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है उससे इंडिया बेनिफिशियरी है टू मीट अप द सिक्योरिटी चैलेंज ऑफ इंडिया. डिफेंस सेक्टर में हो रहा है, स्पेस सेक्टर में हो रहा है कि इंडिया ने काफी सारा गगनयान में इंडिया ने रशिया और फ्रांस से लिया था, रशिया से इंजन वगैरह और फ्रांस से कई सारी हेल्प ली गई थी, और यूएस और इंडिया का निसार सैटेलाइट एक प्रोजेक्ट था. तो स्पेस कोऑपरेशन भी काफी हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में भी हो रहा है, बुलेट ट्रेन इंडिया जो है जापान से टेक्नोलॉजिकल इंपोर्ट है, 5G में भी यूरोपियन यूनियन से काफी सपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट पे, कम्युनिकेशन पे, स्पेस पे, डिफेंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एनर्जी पे, नेचुरल रिसोर्स पे, दीज आर द पॉजिटिव फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है. और किसी को कोई पॉजिटिव याद आ रहा हो तो anybody? You will illustrate the relation between the globalization and the new technology in the world of scarce resource with special reference to India. These are the positive. अब negative में क्या होगा? कुछ थोड़ा सोच के बताएं कोई क्या होगा जो globalization हो रहा है और technology में जो changes हो रहे हैं उससे क्या मतलब negatives क्या हो रहे हैं? पहला निगेटिव तो ब्रेन ड्रेन का है कि मतलब कि जो ग्लोबलाइजेशन है जो इंडियन टैलेंटेड यूथ हैं चूज डेवलप कंट्री एंड डिवाइड इंडिया फॉर द फर्दर डेवलपमेंट. जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, काफी अच्छा वर्ड है, फैंसी वर्ड है हमेशा, तो ये पहला वर्ड हो गया. अब दूसरा ये हो सकता है कि जो जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूव कंट्री है दे आर कॉलोनाइजिंग द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बाई द न्यू टेक्नोलॉजी. मतलब की टेक्नोलॉजी जो उनकी नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ है उसकी वजह से दे आर कॉलोनाइजिंग द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्री, ठीक है. तो ये हो जाता है कि जिनके पास टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, मान लीजिए साइबर वारफेयर हो गया, फोर्थ जनरेशन वारफेयर हो गया, जो टेक्नोलॉजी की वजह से सब आजकल दे आर डोमिनेटिंग लार्ज जो टेक्निकल जायंट है, वो डाटा प्राइवेसी के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से दे आर मतलब हिंडरिंग द फ्रीडम ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटीजंस. तो ये भी हो सकता है. और इसमें क्या हो सकता है कि हम जैसे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करते हैं तो हमारा जो फॉरेक्स होता है वो मतलब उसको खरीदने में चला जाता है, कि मतलब कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, दे आर कॉस्टली. जैसे 5G है तो वो मतलब वो कॉस्टली होगी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी. कोई भी टेक्नोलॉजी हम इम्पोर्ट करते हैं उसके लिए हमें हार्ड अर्न फॉरेक्स देना पड़ता है, उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन वगैरह आती है. फिर उससे क्या होता है, जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है तो उसमें मोनोपोली होता है, तो मोनोपोली होगी तो फिर लॉस ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, फिर वो फर्दर कंप्रोमाइज करेगा सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन सिटीजन. जैसे अभी हाल फिलहाल एक रेड को अटैक हुआ था पावर सप्लाई इन द मुंबई बाय द चाइनीज इक्विपमेंट्स, नॉट द चाइनीज गवर्नमेंट बाय द चाइनीज इक्विपमेंट्स वेर यूज. ऐसा भी है कि वॉरफेयर होगा ऐसा आगे जाके टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में. दीज आर द निगेटिव.
फिर इसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे कि इन द गिवन पॉइंट मतलब कि देयर आर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडियन रिलीजन मतलब कि जो भी है इसकी वजह से मतलब वी हैव टू मतलब आत्मनिर्भर और हम वी हैव टू मेंटेन द स्ट्रेटजिक ग्लोबल सपोर्ट टू इंक्रीज अवर कैपेसिटीज मतलब दीज आर द नीड मतलब वी हैव टू यूज देम विद कॉशन ऐसा कोई कंक्लूजन कर लेंगे हम लोग ठीक है किसी को कुछ बोलना है इस क्वेश्चन के बारे में कुछ पॉइंट ऐड करने हो या कुछ बोलना हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं फिर हेलो जी सर नेक्स्ट में जाते हैं ना डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिलीजियसनेस ठीक है एंड द कम्युनिज्म गिविंग वन एग्जांपल ऑफ हाउ द फार्मर हैज ट्रांसफर इनटू द लेटर मतलब जो रिलीजियस जो इंडिया क्या था पहले रिलीजियस था ठीक है ये क्वेश्चन का जो क्रैक्स है वो कह रहा है कि इंडिया पहले रिलीजियस था मतलब कि हमारे अंदर रिलीजियस सिटी थी ठीक है रिलीजियस थे हम लोग लेकिन अभी क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कम्युनल हो गए हम लोग तो ये कैसे हुआ वो कह रहा है कि कैसे हुआ ये मतलब कि जैसे रिलीजियस हो गया कि अपने अपने बिलीफ को मानना और अब कम्युनलिज्म का मतलब हो गया अपने बिलीफ को मानना लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ एट द प्रोटेक्ट ऑफ अदर रिलीजियस बिलीफ तो ये कैसे हुआ ये क्वेश्चन है तो इसके लिए क्या होगा ना कि आप इंट्रोडक्शन में कुछ एक्सप्लेन करो और जो कोर बॉडी है उसमें कुछ एग्जाम्पल दे दो तो दो तीन एग्जाम्पल ऐसे बताओ आप लोग जिससे लगता हो कि इंडियन सोसाइटी जो है रिलीजियस से कम्युनल हो गई मतलब वी वेयर रिलीजियस फ्रॉम द मतलब एंशियंट टाइम बट कम्युनल कैसे हो गए हम लोग जिसके एक दो एग्जांपल दो आप लोग सोच के बताओ मतलब लो 20 सेकंड लो 30 सेकंड लो सोच के बताओ जो है बेसिकरण विवाह भी अलग अलग कास्ट में होने लगे हैं अलग अलग धर्मों में होने लगे हैं ब्रॉडर सोचो थोड़ा सा ब्रॉडर मतलब इससे बड़ा सोचो थोड़ा सा ब्रॉडर सोचने मतलब कि अब तुम सर इस आर्थिक वजह से हो रहा है थोड़ा हाँ चलो इकोनॉमी वंचना के शिकार जो होते हैं वो हाँ इकोनॉमी इज ऑलवेज द फैक्टर इकोनॉमी को हम मान सकते हैं फैक्टर पता है क्या कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो ना अगर कुछ भी नहीं आ रहा किसी मेंस्यू क्वेश्चन में तो उसमें हमेशा सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कल्चरल रिलीजियस लीगल इन एस्पेक्ट मतलब दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट ठीक है अगर कोई क्वेश्चन आपको एड्रेस करना नहीं आ रहा मेंस में तो ये तुम आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए कि इसको सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल लीगल कल्चरल इन सब पॉइंट पे डिस्कस करने की कोशिश करो अगर कोई क्वेश्चन का क्रक्स मालूम है तुम्हें कोर मालूम है तो उसको उसी पॉइंट उसी रेफरेंस में मतलब एक पार्ट एक तो टैकल करने का तरीका होगा कि उस स्टेटमेंट के मतलब सपोर्ट करो उसको फिर अंगेज करो उसका कंक्लूड करो एक हो गया कि कई सारे पॉइंट में इस तरह से डिस्कस कर लो सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल लीगल और ये सब कल्चरल इस तरह से डिस्कस कर लो कुछ क्वेश्चन को मतलब पॉइंट फॉर्म में डिस्कस कर लो जिसमें आपको खूब ज्यादा पता है तो उसको पॉइंट फॉर्म में डिस्कस कर लो तो मतलब जैसे 20 क्वेश्चन हो गए ना तो उसको कई तरीके से एड्रेस करो मतलब आपके आंसर में वेरिएशन दिखना चाहिए तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें अगर आप एग्जांपल कोट करोगे 3-4 तो उसको लगेगा कि आपने क्वेश्चन समझ लिया और आंसर भी कर दिया तो इंडियन सोसाइटी इंडियन जो है हिस्ट्री उसमें कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मतलब एस्टेब्लिश कर देते हैं फैक्ट कि जो इंडियन रिलीजियस सोसाइटी थी वो कम्युनल सोसाइटी मतलब बन गई ऐसे कौन से इवेंट हुए हैं सर एक तो मार्ले मिंटो सुधार था हाँ चलो और सर एक कम्युनल अवार्ड जो 1932 में हाँ ठीक है दिया गया था मैं एक वो सुनना चाहता हूँ जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो काफी डोमिनेंट किया इंडिया में वो बताओ जो इवेंट था जिसकी वजह से इंडिया सोसाइटी सर उसमें एक तो सर सिख दंगे हुए 1984 वाले हाँ, एक 1992 वाला जो केस है सबसे बड़ा हुआ बाबरी वाला ठीक है सबसे बड़ा बाबरी वाला जो हुआ अयोध्या का जो इशू है ठीक है सबसे बड़ा इवेंट वही था मतलब वी कैन कंसीडर कि इंडियन सोसाइटी जो रिलीजियसनेस थी वो कम्युनलिज्म में थोड़ा सा कन्वर्ट हुई तो ये सबसे बड़ा इवेंट यही था एक इवेंट और था वो बताया कोई मेरे को 2002 के जो गोधरा कांड था वो छोड़ो दूसरा था शाह बानो केस था 13 वाले जो मुजफ्फरनगर वाले जो दंगे नहीं साहब बानो केस यूनिफॉर्म जो सिविल कोड के लिए जो 125 जो सेक्शन था सीआरपीसी का साहब बानो केस जो हुआ उसमें था कि मतलब कि जो
जो राइट्स के बारे में आ गए थे, जो पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, मतलब जो जो रिलीजियस राइट है वो क्वेश्चन हुए, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो भी हुआ बैकवर्ड, तो एक इवेंट वो था साहबानो केस और अयोध्या, दीज आर द बेड रॉक ऑफ इंडियन कम्युनल मतलब स्ट्रक्चर, मतलब जो आप लिटरेचर में मतलब जो आप मेंस में या लिटरेचर में लिख सकते हैं, तो दीज आर द टू एग्जाम्पल। अयोध्या इशू जो हुआ, मस्जिद का जो हुआ और अयोध्या इशू हुआ और साहबानो केस, ये जो इंडियन रिलीजियस थी वो कम्युनलिज्म में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि हो गई, जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ये एग्जांपल कोट किया जा सकता है, बस मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। और फिर मतलब प्रोवोकिंग एंड पोलराइजिंग द सोसाइटी टू गेन द इलेक्टोरल गेन एट द कॉस्ट ऑफ डेलिकेट फैब्रिक ऑफ मतलब इंडियन सोसाइटी, इंडियन रिलीजियस या मल्टी कल्चरल सिस्टम, वो सब कंक्लूजन में डालना, ठीक है। लेकिन एस्टेब्लिश कैसे करोगे, एस्टेब्लिश इसी दो दो तीन एग्जांपल जो तो आपको सुटेबल लगे, मैं नहीं कह रहा कि यही दो सुटेबल, जो आपको सुटेबल लगे वो दो तीन एग्जांपल से ये फैक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश करना कि ये सर अगर पूछा गया तो हमने इस तरह से इसको एस्टेब्लिश किया इस फैक्ट को, ठीक। किसी कुछ कहना है इसके बारे में कुछ, एनीबॉडी? नो सर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ, ठीक है सर। इसमें सोशल मीडिया का भी पॉइंट लिख सकते हैं सर, सोशल मीडिया जैसे जैसे न्यूज़ पे दिखा रही है उसकी भूमिका तो हाँ बिल्कुल 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 दिखा सकते हैं। एक पॉइंट ये भी हो सकता है सोशल मीडिया की जो नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव यूज ऑफ सोशल मीडिया या डिसीसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, ऐसा कीवर्ड को थोड़ा रिफाइन करते रहो, जब लिखोगे ना तो हमेशा रिफाइन करोगे अपने आप को, जो चीज एग्जाम में करनी है अगर उसको पहले कर लोगे तो वो चीजें तुम्हारा रिफाइन हो जाएगा थोड़ा सा, इसीलिए मैं तो दो डायरेक्ट उसी पे जा रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ इसे। बहुत सारी चीजें आपको मतलब वो नहीं लग रही होंगी कि ये हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन यही सही है क्योंकि यही करना है आपको मेंस में, आपको आंसर राइटिंग ही करनी है वहाँ पे, आप कितना भी जानते हो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक बेसिक चीज तो जानते हो, उसके बाद मैटर यही करता है कि आप कितना लिख पाते हैं वहाँ पे, किस तरह सोचते हैं, क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं, यही मेन चीज है। और यही इसी चीज से हम लोग भागते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ जाता है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है, ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेट टू प्रमोट द कल्चरल होमोजेनाइजेशन बट ड्यू टू द कल्चरल स्पेसिफिसिटी अपीयर टू स्ट्रेंथन इन द इंडियन सोसाइटी। ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो कल्चरल होमोजेनाइजेशन कर देता है, मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब वी आर द जो होल वर्ल्ड है एक विलेज है, ग्लोबलाइजेशन का वन वर्ल्ड डेफिनेशन ये भी है कि होल वर्ल्ड जो है विलेज है, तो इससे क्या होगा कि जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो गया मतलब कि सबका कल्चर एक हो जाना चाहिए, ठीक है, ये होता है ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इंडिया के केस में क्या होगा कि इंडिया की जो कल्चर जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो अपीयर टू स्ट्रेंथन, इसकी वजह से स्ट्रेंथन हुई है कि नहीं हुई है, तो एक बार बोलेंगे हुई है, एक बार बोलेंगे नहीं हुई, इसका कंक्लूड कर देंगे हमारी 30-35% जो परसेंट क्वेश्चन है उसमें अप्रोच यही है ना कि जो स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट करेंगे, इसके बाद आर्गुमेंट देंगे, इलस्ट्रेट बोलता है, डिस्कस बोलता है तब, और ये हम अगर क्रिटिकली एग्जामिन के लिए बोल देता तो हम उसको मतलब क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे पहले, उसके बाद उसके काउंटर पे जाएंगे, इसका उल्टा हो जाएगा, पहले हम क्रिटिकली एग्जामिन कर लेंगे उसका उसका काउंटर पे जाएंगे फिर कंक्लूड कर लेंगे, या इलस्ट्रेट या डिस्कस करता है तो पहले हम उसका पॉजिटिव जाएंगे फिर निगेटिव जाएंगे फिर कंक्लूड कर देंगे, या एक्सप्लेन करने को बोलता है तो हम इसको इस पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे, तो कीवर्ड्स पे भी है लेकिन एक कॉमन अप्रोच यही है। अब देखो मेंस में क्या होता है, इतना टाइम तो होता नहीं कि तुम हर चीज को बहुत करो, लेकिन एक बेयर मिनिमम से ऊपर हमें जाना है, तो हमें एक बार हम दोनों मतलब दोनों पक्ष हो गए और एक कंक्लूजन हो गया, ये तो मतलब एसेंस है, ठीक है जी सर। जी सर, तो कैसे इसको स्टेब्लिश करेंगे कि मतलब कि जो इंडियन सोसाइटीज का जो कल्चरल स्पेसिफिकेशन है वो हिंडर कर रहा है ग्लोबलाइज की जो यूनिवर्सल वैल्यू है कल्चरल होमोजेनाइजेशन को, तो कुछ एग्जांपल हमें कोट करेंगे जो इसको सपोर्ट करते होंगे, तो कैसे हम इसको सपोर्ट करेंगे कि हाँ इंडियन जो सोशल स्ट्रक्चर है वो अभी भी मतलब डाइल्यूट नहीं हुआ, मतलब डाइल्यूट तो हुआ लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, कैसे कौन से एग्जांपल हैं जो ये बात प्रूफ करते हैं कि इंडियन जो सोशल स्ट्रक्चर है अभी भी डिजॉल्व हुआ है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो जैसा कुछ भी होगा तो हम कुछ इंस्टीट्यूशन पे जाएंगे कुछ वैल्यूज पे जाएंगे, जैसे कोई भी सोसाइटी को स्टडी करना है तो हम उसको इंस्टीट्यूशन से या वैल्यूज से, तो इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, मैरिज हो गया, फैमिली हो गया, यही तो इंस्टीट्यूशन है जो सोशल सोसाइटी को डिफाइन करते हैं, तो जैसे हमने मैरिज का बोल दिया तो मैरिज अभी भी इंडिया में ट्रेडिशनल हो रही है, लोग जा रहे हैं मॉडर्न मैरिज सिस्टम के लिए, लीगल मैरिज के लिए, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ मैरिज जो ट्रेडिशनल हो रही है। फिर दूसरा इंस्टीट्यूशन कौन सा है, फैमिली का है,
फैमिली में अभी भी लोग न्यूक्लियर में जा रहे हैं, लेकिन अपने जो रूट है उनसे वो कनेक्ट है, तो एक्सटेंडेड न्यूक्लियर फैमिली हो गई। न्यूक्लियर फैमिली तो है लेकिन वो एक्सटेंडेड है कि मतलब वो वीकेंड में फेस्टिविटी में मिलते जुलते हैं, फोन से बात करते हैं, तो मतलब ऐसा सेग्रीगेट नहीं हो गए, तो मतलब डिजॉल्व हो रहा है लेकिन मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है सोसाइटी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे मतलब जैसे दो इंस्टीट्यूशन मैंने डिस्कस कर लिया, मैरिज से कर लिया, एजुकेशन सिस्टम का भी कर लेते हैं, मतलब वी आर अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बट वी आर नॉट फॉरगेटिंग या डिप्राइविंग अवर मोरल वैल्यूज, ये भी हो सकता है कि हम मतलब डिजॉल्व तो हो रहे हैं लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है सिस्टम, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं कि हम मतलब कि जो हॉलीवुड की मूवीज हैं वी वॉच इन द हिंदी आल्सो, जो पॉप सिंगर म्यूजिक का करते हैं तो म्यूजिक का करते हैं कि जो वहाँ का वो पॉप सिंगर है वो यहाँ पे मिक्स हो रहा है भांगड़ा से और भांगड़ा पॉप बना रहे हैं, इंडी पॉप बना रहे हैं, मतलब दी जाता है मतलब एग्जांपल कि वी आर एसिमिलेटिंग बट नॉट डिस्ट्रॉय बीइंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है। फिर कुछ एग्जांपल हम ऐसे देंगे कि मतलब जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया का जो कल्चर स्पेसिफिकेशन है वो स्ट्रेंथन नहीं हो रहा, ऐसे भी कुछ एग्जांपल देंगे कि मतलब कि मतलब वो जो जैसे मेडिसिन सिस्टम पूरा हो गया कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल था अब वो अभी थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है, बीच में तो क्या हुआ कि मतलब टोटली वी आर डिपेंडेंट ऑन द मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम फॉर द गुड और बैड आई एम नॉट सीइंग दैट। फिर हमारा जो हमारा कल्चर था थोड़ा सा मतलब वेस्टर्नाइजेशन हो गया हमारा टोटली, कि मतलब वी आर कंसिडरिंग मतलब एकदम सुपीरियर, मतलब कि हमारा टोटल जो कल्चरल वैल्यू सिस्टम हो गया वेस्टर्नाइज हो गया, हमारा जो क्लासिकल डांस था म्यूजिक था वो सब सबड्यू हो गया हॉलीवुड या न्यू मॉडर्न जो म्यूजिक सिस्टम था उससे, जी जा रहा था मतलब एग्जाम्पल कि यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ने हमारी जो स्पेसिफिक जो कल्चर की वैल्यू थी उनको डिजॉल्व किया, उसका कंक्लूड कर लेंगे हम लोग, ठीक। कोई कुछ बोलना है इस बारे में इस क्वेश्चन में, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंज फॉर द वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस, मतलब जो वुमेन्स के जो महिलाओं के जो चैलेंज है इंडिया में टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग, मतलब कि समय और परिस्थिति के हिसाब से, मतलब तो ऐसा अभी जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया तो इसमें हम पहले क्या डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है कि जो हमारी वुमेन्स है टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्या है, यही तो मेन होना चाहिए कि इसमें इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंज फॉर द वुमेन इन द इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस, तो क्योंकि वो सेंसिटिव टॉपिक है इसमें आपको हमेशा यही दिखाना है कि भाई भाई इसमें चैलेंजेस हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है कि दो दो पैरामीटर क्रिएट करके कंक्लूजन, इसमें है कि चैलेंजेस क्या है उसी को मतलब थॉरली हमें डिस्कस करना है, ठीक है। उसमें काज हो सकता है कि क्यों चैलेंजेस है, उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है, एक ये हो सकता है, इसी को मान लेंगे हम दो पार्ट में कि मतलब जो कोर बॉडी है उसमें ये कर लेंगे कि पहले की प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। तो प्रॉब्लम क्या है वुमेन्स की जो हेजेमोनिक पैट्रियार्की है उसकी वजह से इंडियन की जो वुमेन्स की प्रॉब्लम्स क्या है। सर बेसिकली सबसे पहली प्रॉब्लम तो पैट्रियार्की है क्योंकि थिंकिंग अभी मॉडर्नाइजेशन लोग दिखाते हैं बट कहीं ना कहीं एक कोर में बैठी हुई है पैट्रियार्की लोगों के स्टिल फीमेल इन्फेंटिसाइड अभी भी एग्जिस्ट करता है पूरी तरह नहीं हुआ। तो डाउरी सिस्टम आप कह सकते हैं आइडियल लेवल पे लोग कह सकते हैं काफी हद तक कम हुआ है बट अगर आप रियल पे देखेंगे तो हर जगह वो अभी तक इवन अब तो ये कि सोशल मीडिया पे उसको फ्लॉरिश करते हैं लोग कि इतनी सारी दी गई है तो सर वो मतलब कम होने की जगह डाउरी सिस्टम इंक्रीज ही हो रहा है तो ये भी एक इनके ही लिए सर अगेंस्ट नहीं है। सर अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस हो गए ये सारी चीज एजुकेशन अभी भी विमेन के आगे सर ऐसे कम हुए कि वो प्राइमरी एजुकेशन तक भेजते हैं लेकिन हायर एजुकेशन अगर मान लीजिए बाहर भेजना है तो कहीं ना कहीं अभी भी पेरेंट्स को थोड़ा तो हमको एक डाटा सपोर्टिंग में देना पड़ेगा कि जो पुअर सेक्स रेशियो है वो बताना पड़ेगा, सेंसस का डाटा देना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट हो सकता है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड है, ठीक है। तो जो उसमें क्या होता है कि मतलब कि फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया डाटा दे दिया, पहला पॉइंट ये है। फिर उसके बाद मदरहुड पेनाल्टी हो गई कि मतलब अगर आप कोई वुमेन है वो मदरहुड पे जा रही तो उसका जो ग्रोथ एस्पेक्ट है या जो भी उसके एस्पेक्ट है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, तो एक हो रही मदरहुड पेनाल्टी जो मतलब उसकी वर्च्यू है उसी को आपने पेनाल्टी की तरह कर दिया। फिर तीसरा है कि डिक्लाइनिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो वुमेन है हमारी हाफ पॉपुलेशन है उसका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत डिक्लाइन कर रहा है।
फिर हो रहा है कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन्स, मतलब कि वुमेन जो है डोमेस्टिक जो होम वर्कर है दे आर अनपेड अनपेड, और मतलब कि मतलब उसमें क्या ही, मतलब उसमें कि डोमेस्टिक जो है वो काम कर रही है दे आर अनपेड और दे आर अनड्यू, मतलब वो कोई उसका ड्यू भी नहीं मिल रहा, कि जो कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन हो गया कि हाउस होल्ड में काम कर रही है तो उनका जो ग्रोथ आस्पेक्ट कैरियर वाइज है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, और जो काम कर रही है उसका ड्यू भी नहीं मिल रहा, तो कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन्स हो गया, डिक्लाइनिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो गया, मदरहुड पेनाल्टीज हो गई, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है, मतलब दे आर जस्ट मिसिंग वुमेन जो मैंने पहले बताया था, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन हो गया, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड मैल न्यूट्रिशन, ये सब कोट कर सकते हैं। इसका एक होती है ग्लास सीलिंग इफेक्ट, कि मतलब वुमेन्स हैं तो इसके ऊपर नहीं जाएंगी, मतलब कि उनके जो वेजेज हैं देर इज इंक्रीजिंग गैप वेज गैप बिटवीन द मेन्स एंड वुमेन, तो इसको बोलते हैं ग्लास सीलिंग, मतलब दे कैन नॉट ब्रेक द ग्लास सीलिंग, मतलब कि वो सीईओ बनेगी जैसे इंडियन वुमेन टीम हो गई क्रिकेट टीम हो गई, दोनों की सैलरी में काफी अंतर है, उसको वो जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इसको बोलते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट, मतलब वुमेन कैन नॉट गेट दैट लेवल ऑफ सैलरी दैट लेवल ऑफ ग्रोथ, ठीक है। एक होता है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की, मतलब माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन करने के बाद जो रूरल एरिया पे जो महिलाएं बची उनके ऊपर ही डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई, तो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब हो गया। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का मतलब हो गया कि वुमेन्स आर द मार्जिनल सेक्टर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब कि वो उनके पास ना इकोनॉमिकल डिपेंडेंस ना पॉलिटिकल राइट है ना इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस है, तो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी हो गया, कि मतलब कि जो पॉवर्टी है उसको एक कलर दे दिया गया कि फेमिनाइज हो गई, एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, ग्लास सीलिंग भी हो गई, और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस हो गया, लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया, कि जो वुमेन्स है उनको रिजर्वेशन नहीं है लोकसभा राज्यसभा मजिस्ट्रेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो पॉलिटिकल जब उनके पास पार्टिसिपेशन नहीं है तो वो रूल भी उनके बायस होते हैं, जेंडर बायस होते हैं, ये सारी समस्याएं हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ये हो सकता है कि मतलब कि वी डोंट नीड बेटर लॉ बट वी नीड बेटर इम्प्लीमेंटेशन, के मतलब कि यहाँ पे कई सारी चीजें ऐसी हो सकती है कि हम बेटर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें इन चीजों को, कि हम मतलब वुमेन सेंट्रिक लॉ तो बना रहे लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे ही कई सारी चीजें कि हमें पैट्रियार्की हो गई, इसको कैसे ब्रेक करना है, और कोर्ट के थ्रू या लीगल प्रोविजन से कैसे हम इसको ब्रेक करें जो यहाँ पे पैट्रियार्की क्रिएट हुई और वुमेन्स के जो सब्जुडिकेशन हुआ है, उसके कई सारी स्कीम लाई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जो स्टिग्मा अटैच है सोसाइटी में, वो सारी चीजें कैसे टैकल करनी है, तो इसका कोई सलूशन होना चाहिए कि कैसे, जैसे मूवीज भी आई थी पैडमैन एंड टॉयलेट, मतलब कि हेजोमनिक जो पैट्रियार्की उसको ब्रेक करने की कोशिश की गई थी, ऐसे ही कोट एग्जांपल कोट करने के क्या हो रहा है जिससे चीजें चेंज हो रही हैं, क्योंकि हमें तो दिखाना पॉजिटिव ही है ना, एक दो कोट कर सकते हैं कि इंडिया को अवेक करना तो वी हैव टू वुमेन मस्ट बी, मतलब जे एल नेहरू ने बोला था कि इंडिया टू अवेकन द पीपल, मतलब अगर भारत के लोगों को अवेक करना है इट इज द वुमेन हु मस्ट बी अवेकन, मतलब कि ही सी इज ऑन द मूव द फैमिली मूव्स द विलेज मूव्स एंड द नेशन मूव्स, अगर मतलब वुमेन ऑन द मूव है तो फैमिली मूव करती है, गांव मूव करता है और देश मूव करता है, तो ये सारे ऐसे कोट करके कंक्लूड करने की कोशिश करो, तो मतलब जो पॉइंट है ये पॉइंट होने चाहिए ऐसे ही। किसी को अगर कुछ बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में कैसे किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, मतलब आप लोग सोचो, देखो जब आप लोग सोचोगे ना तो नए नए सोल्यूशन आएंगे, देखो कोई भी क्वेश्चन उसको कई तरीके से किया जा सकता है, उसका एक ही सलूशन नहीं है कि इसको इसी तरीके से किया जा सकता है, उसको कई तरीके से, लेकिन उसको करना उसी तरीके से जिसने आपको बेटर मार्क्स मिले, तो बेटर मार्क्स वही होगा जो कुछ पूछा जा रहा है, जो कुछ आपसे एड्रेस करने को कह रहा है आप वही करो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको वो करना है जो पूछा जा रहा है ना कि वो करना है जो आपको आता है। जी सर, जैसे सर हम ऐसे भी कोट कर सकते हैं कि हर कोई विमेन एम्पावरमेंट कहता है, बट ये कोई रियलाइज नहीं करता है विमेन आर द सोर्स ऑफ द पावर, हमारे जो कल्चर कहता है वो यही कहता है, ओरिजिन कहाँ से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है क्वेश्चन, द कंटिन्यू चैलेंज ऑफ फॉर द वुमेन इन द इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। तो मेरा तो कितने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, अब नेक्स्ट टाइम पे होंगे जो आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो किसी को कोई और क्यूरी हो तो बता दे, आप में से किसी को कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो जितना हम लोगों ने डिस्कस किया, या कुछ और पूछना हो। सर ये वाले क्वेश्चन एक बार जरा ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ हाँ, सारे क्वेश्चन जो है ग्रुप में डाल दूंगा जी सर। और किसी को कुछ पूछना हो, कोई प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ डाउट हो पूछ ले। फिर अगर नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। जी सर, जी सर, ठीक है नूतन जी। ओके ओके, फिर एंड करते हैं सबको भाई, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।
जी सर हाँ जी सर।